नमस्कार दोस्तों, स्वागत वाड़ा हुआ लोग इनकी एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम शेयर करने वाला वानी आप लोगन के तह संगे एक वैसन डिश जो बिहार में स्पेशली मानसून के शुरुआत में अदरा मनाने खातिर हर घर में बनावल जाला। और ये डिश बनाए में बहुते आसान बा और खाए में उतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। तो चलल जाओ आज का वीडियो स्टार्ट करल जाओ। एक कुकर में हम लेंगे दाल, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था। और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद कुकर में डालेंगे। अब मिलाएंगे हल्दी, नमक, नमक स्वाद के अनुसार ही मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पूरी के लिए यहाँ जो आटा लगाएंगे उसमें भी थोड़ा नमक जाएगा। फिर मैंने इसमें पानी डाला और तेज़पत्ता डाल के इसको बॉयल कर लेंगे 3 से 4 सीटी आने तक। ये देखिए हमारा दाल पक चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, इसे चेक कर लेंगे हाथों से दबा के। अगर ये पक गया है तो अब तो अच्छा है, नहीं तो फिर से सीटियाँ लगा लेंगे। अब हम दाल में लगाएंगे तड़का। इसमें मैंने जीरा डाला गरम तेल में, अदरक लहसुन कटा हुआ, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं, या तो सिर्फ लाल मिर्च डालिए या फिर सिर्फ हरी। उसके बाद इसमें दाल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने नमक दाल को बॉयल करते समय डाला था। इसे मिलाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। और ये ठंडा होने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये देखिए इसे जब मिलाएंगे तो ये बंध जा रहा है, इसका मतलब हमारा दाल बहुत ही अच्छे से तैयार है पूरी में भरे जाने के लिए। अब हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं। आटे में नमक और घी मिलाया मैंने और अब इसे पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा तैयार है और अब हम बनाते हैं इसकी पूरियाँ। आटे को कटोरी की तरह बनाएंगे और इसमें पूरी के लिए जो दाल बनाई थी हमने उसे डालेंगे। और अब इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर मिला लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरियाँ हमने बेल ली हैं और अब हम इसे तल लेंगे, डीप फ्राई करेंगे गरम तेल में। हमारी पूरियाँ तैयार है और अब इसे हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। और ये देखिए खीर और आम के साथ हमारा अदरा स्पेशल थाली तैयार है।